तो देखिए हमारे जो दो स्टॉक थे जो कि मैंने आपको एक टेलीग्राम चैनल पे दिया था और एक मैंने आपको वीडियो में बताया था ये गैप ऑफ ओपन वे देखिए गैप ऑफ ओपन होना ना आपके हाथ में ना हमारे हाथ में मैं हमेशा आपको कह चुका हूँ पहले भी बता चुका हूँ ये होता क्यों है कि जब ज़्यादा लोग होल्डिंग पे शेयर्स बाय कर लेते हैं यानी कि काफ़ी लोग आजकल टाइम क्या है निफ्टी होल्ड कर रहा है आ, निफ्टी की मूवमेंट ज़्यादा नहीं है तो काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि निफ्टी एकदम से बढ़ेगा इस थिंकिंग की वजह से काफ़ी लोग जो है स्टॉक्स होल्डिंग पे ले रहे हैं खरीद रहे हैं उसकी वजह से जो क्या है स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहे हैं हर ही स्टॉक लगभग एट्टी परसेंट स्टॉक जो है गैप अप ओपन हो रहे हैं इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते एक ही चीज़ के अलावा हम वेट करेंगे टेन ई एम का टेन ई एम के अंदर अगर गैप फिल होता है गैप फिल कैसे होगा हमारी बाइंग प्राइस या फिर शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में अगर स्टॉक आ गया तो अब हम उसे बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं जैसी लेवल ब्रेकआउट होगा आगे मैं आपको बताऊंगा और वरना उस स्टॉक को आप छोड़ देते हैं देखिए दो स्टॉक जैसे कि मासविन और हमारे श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस में देखिए मासविन में तो हमारा शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे बट श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस में हमारा बाई साइड का पहले एस हिट हुआ उसके बाद हमारा पहला टारगेट प्राइस अचीव हुआ शॉर्ट सेलिंग की साइड हमारा पहला टारगेट प्राइस अचीव हुआ अब ये थ्योरी बोल रहे होंगे आप कि ऐसा लिटने के बाद टारगेट कैसे अचीव हो सकता है मैं हर बार बोलता हूँ अगर पहली बार में आपका ऐसा लिट होता है तो दूसरी बार आप कॉल ले सकते हैं क्योंकि कभी कभार नहीं एक बार में नहीं मूवमेंट दिखा पर दूसरी बार अच्छी मूवमेंट दिखा के वो टारगेट अचीव करके ले जाता है तो ये जो टारगेट वन है जिसे मैं सेफ जोन कहता हूँ ये सेफ जोन तक ईजिली दोनों पहुँच गए थे इसलिए मैं पहला टारगेट वाइज हमेशा छोटा देता हूँ चलिए बात कर लेते हैं ट्वेंटी फाइव अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी की कॉल्स की ट्वेंट पहला स्टॉक मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है इंडूसिंग बैंक जिसका लेवल ब्रेकआउट होगा फाइव थर्टी टू का लेवल कैसे ब्रेकआउट होगा फाइव थर्टी टू पॉइंट समथिंग हो जाएगा जब स्टॉक की प्राइस तब आप इसे बाय करेंगे एग्जेक्ट फाइव थर्टी टू पर नहीं करेंगे शॉर्ट सेल भी एक्जैक्ट 528 ट्वेंटी नहीं करेंगे 527.90 जब हो जाएगा तब आप शॉर्ट सेल करेंगे तो बाय करेंगे फाइव 532 के ऊपर टारगेट रहेगा 533.50 ये पहला टारगेट बाय सेफ जोन के तौर पे यूज़ करेंगे कि अगर स्टॉक में मूवमेंट ना हो वॉल्यूम वौ, ना हो तो भी इतना आपको डेढ़ पॉइंट या फिर दो पॉइंट का टारगेट मिल जाए इजीली आप थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर पाए सेकंड रहेगा फाइव थर्टी एट थर्ड थर्ड रहेगा फाइव फोर्टी टू का स्टॉप लॉस रहेगा फाइव ट्वेंटी नाइन का शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगा फाइव ट्वेंटी एट टारगेट प्राइस रहेगा फाइव ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव जीरो फाइव ट्वेंटी टू और फाइव वन एट का स्टॉप लॉस रहेगा आपका फाइव थर्टी वन का अगला स्टॉक हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो है गोदरेज अगर जिसे आप बाय रे चलेंगे फोर नाइन्टी टू पर अगर देखिए कल ये स्टॉक अगर गैप शो करता है तो मैंने अभी आपको बता दिया आपको करना क्या है वेट करना है, टेन ही एम का गैप फिल होने का गैप फिल कैसे होगा जैसे मान लीजिए ये बाइंग प्राइस हमारी फोर नाइनटी टू की और जो शॉर्ट सेलिंग प्राइस है वो है फो फोर एटी एट पॉइंट फाइव जीरो की अगर फोर नाइन्टी फोर पर ये स्टॉक को गैप ऑपरून हो जाए तो आप वेट करेंगे कि फोर नाइन्टी टू के नीचे आके वो वो एक मिनट का होल्ड एक मिनट का होल्ड यानी कि थोड़ा सा होल्ड लेना बहुत ज़रूरी होता है कंटिन्यू मूवमेंट हो लेकिन 92 और 488 के बीच में हो इससे अगर ऊपर होती है मूवमेंट ऐसे बीच में होल्ड नहीं लेता है कंटिन्यूसली रहा है तो आप उसे बाय नहीं करेंगे गैप डाउन ओपन होने के बाद बाय नहीं करेंगे और गैप सॉरी गैप अप ओपन होने के बाद आप बाय नहीं करेंगे गैप डाउन ओपन होने के बाद शॉर्ट सेल नहीं करेंगे इसे मैं एक बार क्लियरली आपको समझा देता हूँ आप कर्सर पर ध्यान दीजिएगा जैसे मान लीजिए ये आपकी लाइन है बाइंग की और ये जो लाइन है आपकी शॉर्ट सेलिंग की है जैसे ये जो लेवल दिए हैं ये दोनों लेवल हैं स्टॉक जो है यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर ये नीचे आने के बाद यहाँ पे होल्ड लेता है होल्ड कैसे लेगा अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन करेगा उसके बाद जो है स्टॉक ऊपर जाए तब आप उसे बाय कर सकते हैं ऐसा हो सकता है एक मिनट देखिए मिनिमम टाइम एक मिनट का है एक मिनट का होल्ड लेना जरूरी है इन दोनों के बीच में अगर स्टॉक गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है तब आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं इसलिए इसी का उल्टा गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पर ऊपर गया होल्ड लिया नीचे आया तो आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे अगर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो आप इसे बाय कर सकते हैं तो इसका देखिए 92 का इसकी बाइंग प्राइस है टारगेट है 493.50 एज यूजुअल अगर स्टॉक ने मूवमेंट नहीं दिखा पाया तो छोटे से छोटा आपको प्रॉफिट मिले पर मिलेगा ज़रूर तो सेकंड है हमारा 495 थर्ड है हमारा 498 नाइन्टी शॉर्ट सेलिंग प्राइज सॉरी स्टॉप लॉस है हमारा 489 का शॉर्ट सेलिंग प्राइस हमारा 488.50 टारगेट है 487, 483 और 480 का स्टॉप लॉस है हमारा 491 का बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर आपको हमारे डिस्प्ले में मिल रहा होगा डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा अगर आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप पेड क्लाइंट्स की कॉल भी देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट में जाकर और लेटेस्ट अपडेट में जाके आप कॉल्स देख सकते हैं जो कि हमारी सब्सक्राइबर्स के लिए थी तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो के साथ